बालिकाओं की शिक्षा के प्रति समर्पित कन्या गुरुकुल महाविद्यालय चोटीपुरा में कल बालिकाओं के लिए आवास मुक्त विद्यालय संकल्प शिक्षा सदनम का शिलान्यास समारोह आयोजित हुआ। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, साध्वी चित्रलेखा के साथ साथ पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी व गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर समारोह की शोभा बढ़ाई। समारोह में श्रद्धेय आचार्य जी का आगमन सर्वप्रथम हुआ। उनके पहुंचते ही गुरुकुल की छात्राओं ने आचार्य जी का भव्य स्वागत किया। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पूज्य स्वामी जी भी समारोह में शामिल हुए। संकल्प शिक्षा सदनम का भूमि पूजन व शिलान्यास पूज्य स्वामी जी एवं श्रद्धेय आचार्य जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजित समारोह में स्कूल की छात्राओं ने आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी के उद्बोधन एवं आशीर्वचनों के साथ अन्य लोगों ने भी इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन दिया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य मुख्य अंश।
आज सभी के चेहरों पर बहुत मुस्कान हम अनुभव कर रहे हैं। आप सबने बहुत ही आशाओं के साथ और विश्वास के साथ इस गुरुकुल भूमि में पदार्पण किया है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, इन दोनों के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए, इनका आशीर्वाद लेने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में बहुत थोड़ी सी सूचना से, बहुत स्वल्प समय की सूचना से आपने यहाँ पर आप आए हैं। पहले तो मैं आप सभी का, जो उपस्थित अभ्यागत जो भी सज्जन है, माताएं बहने हैं, उन सभी का गुरुकुल परिवार की ओर से हृदय से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं, बहुत ही संक्षेप से दो तीन वाक्यों में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका ये प्रिय कन्या गुरुकुल, जो कि अपने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का और आचार्य जी महाराज का भी बहुत बहुत प्रिय है, ये कन्या गुरुकुल जो जिसकी स्थापना 6 मार्च 1988 को हुई थी, 26 वर्ष पूर्ण कर रहा है और 26 वर्ष में जो इसकी उपलब्धियां थी वो उपलब्धियां आशाजनक हैं। तो उत्साह वर्धन के लिए गणमान्य हमारे महानुभाव बहुत अधिक हमें उत्साहित करते रहते हैं, आते रहते हैं। तो आज हमने यहाँ पर जो ये कार्यक्रम रखा है, ये इसलिए रखा है कि छात्राओं का आवासीय विद्यालय अर्थात गुरुकुल, जिसमें 751 बालिकाएं एमए की मिलाकर के 751 बालिकाएं छात्रावास की व्यवस्था में यहाँ पर अध्ययन कर रही हैं 14 प्रांतों से, और यहाँ की बालिकाओं ने उपलब्धियां भी की हैं। 2004 में एथेंस में सुमंगला ने ओलंपिक में आर्चरी में गुरुकुल का और अपने देश का भी और अपने प्रदेश का भी नाम रोशन किया, उन्होंने भाग लिया। खेल जगत में और शिक्षा क्षेत्र में यहाँ की बालिकाएं पिछले 7 वर्ष से अब तक 60 बालिकाएं नेट और जेआरएफ कर चुकी है पिछले 7 वर्ष में, जिनमें से 35 बालिकाएं जेआरएफ हैं, जो कि रिसर्च स्कॉलर है, जो छात्रवृत्ति प्राप्त कर रही हैं, और बाकी नेट हैं। शिक्षा क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में बालिकाएं उपलब्धियां अपनी लेती हैं, प्राप्त करती हैं। परंतु उसके अतिरिक्त जो गुरुकुल का जो उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा के साथ सदाचार, संस्कार और वीरांगना का, वीरता का भाव, आत्माभिमान का भाव, ये विशेष रूप से बालिकाओं को ये शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। इन सभी गुणों से प्रभावित होकर के स्वामी जी आचार्य जी आशीर्वाद देने के लिए समय समय पर आते रहते हैं। जहाँ की लाखों लोग आपके दर्शनों को तरसते हैं, वहाँ बालिकाएं जो कार्य करती हैं उससे उसको उत्साहित करने के, प्रोत्साहित करने के लिए स्वामी जी थोड़े से अनुरोध से, थोड़े से निवेदन से बालिकाओं को आशीर्वाद देने के लिए चले आते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इसी अंतराल में हमने स्वामी जी से भी, आचार्य जी से भी निवेदन किया था कि स्वामी जी हमारी ऐसी इच्छा है कि जिस प्रकार से आचार्य कुलम जगह जगह बन रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा अभूतपूर्व और अद्भुत ये कार्य होने जा रहा है, मुझे स्वामी जी इसके विषय में बताएंगे, विस्तार से भी बताएंगे। तो हम बहुत छोटी सी इकाई है और स्वामी जी का ही ये, आपका ही ये गुरुकुल है, तो हमने सोचा कि पहले हम थोड़ा सा इस रूप में इसको प्रारंभ करते हैं कि बच्चों का, बालिकाओं का आवासीय विद्यालय तो है, परंतु डे बोर्डिंग अर्थात दिन में पढ़ने का और वहीं पर होमवर्क करने का विद्यालय नहीं है। क्योंकि कुछ बालिकाएं जो आसपास की हैं, वो सोचते हैं लोग कि जाएंगे वहां रहेंगे, किसी की माँ को याद आता है कि पास में ही तो बालिका है, अरे पास में है और अलग रह रही है मेरे से, ऐसे कहते हैं कि ये एक कोर्स में तो हमारी बालिका है, हम कैसे उसको छोड़ सकते हैं, बार बार वो रोज ही उसको देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, हर रविवार को खड़े हो जाते हैं आकर के। 2 महीने में मिलने का समय हमने रखा है, परंतु आसपास के जो लोग हैं वो नहीं मानते,
और वो हर सप्ताह आकर खड़े हो जाते हैं, बहुत व्यवधान होता है। हमने सोचा कि इनका कुछ इलाज निकाला जाए और जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ लिए जाएं। तो जिस योग्यता से और जिस संस्कारों से, जिस सदाचार से छात्रावास में रहने वाली बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उसी योग्यता से, उसी सदाचार से, उसी संस्कारों से हम चाहते हैं कि एक आवास रहित, हाँ, गैर आवासीय ऐसा विद्यालय खोला जाए। तो स्वामी जी के सामने, हमने आचार्य जी के सामने इसका वो रखा, प्रस्ताव रखा, तो आपने कहा कि बहुत अच्छा है, मेरी जो बहनें हैं सुमेधा सुकामा जो करेंगी हमें वो सब अच्छा लगता है, स्वामी जी ने कहा। तो हमारा उत्साहवर्धन हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप आज इस का नाम है, आप सुनकर के तालियां बजाएंगे, संकल्प शिक्षा सदनम। इसका शिलान्यास पूज्य स्वामी जी ने, आचार्य जी ने किया है। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, संकल्प मूल है कामो वही यज्ञः संकल्प संभवा। संकल्प से बड़ी बड़ी, बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं, बहुत शक्ति मनुष्य के अंदर आ जाती है। आपने देखा कि दो तपस्वियों ने, ब्रह्मचारियों ने संकल्प किया था एक गुरुकुल में, जैसे सांदीपनी का आश्रम होता है, आपने सुना होगा, होता था, जिसमें हमारे कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे सांदीपनी ऋषि के आश्रम में, उसी प्रकार से एक छोटे से गुरुकुल में, आश्रम में दो ब्रह्मचारियों ने संकल्प किया कि गुरुकुलों के बच्चों को केवल पुरोहिताई ही नहीं करनी है, केवल संस्कृत पढ़ करके केवल उपदेशक ही नहीं बनना है, उनको एक ऐसा कार्य करना है और केवल योगासन दिखाने ही नहीं है स्टेज पे, उनको योगासन सिखाने हैं, उनको ऐसा कार्य करना है कि जिससे सारी जनता को, समग्र समाज को एक बहुत बड़ा लाभ मिल सके। तो मैं ऐसा समझती हूं कि जिस प्रकार से हमारे जगत गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती युग दृष्टा हुए हैं, तो मैं पूज्य स्वामी जी को, आचार्य जी को युग पुरुष मानती हूं, वे शताब्दी पुरुष मानती हूं। स्वामी दयानंद ने एक स्वप्न लिया, गुरुकुल पद्धति का स्वप्न दृष्टा हुए, उस स्वप्न को पूर्ण करने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी हुए, परंतु उसको बृहद रूप देने वाले ये दो महान विभूतियां हैं जिन्होंने आचार्य कुलम के माध्यम से सारे देश में गुरुकुलों का जाल फैलाने का संकल्प लिया है। महर्षि दयानंद जी क्रांति के अग्रदूत थे, परंतु क्रांति दूत बनकर के आई है ये दो महान विभूतियां जिन्होंने सारे देश में ऐसी क्रांति की ज्वाला जगाई कि आज सारा शीर्षासन हो चुका है, अर्थात बुराइयों पर अच्छाई की विजय प्राप्त हो चुकी है और एक दशहरा बन चुका है, यह विजयादशमी बन चुकी है, आप सब देख रहे हैं। तो ऐसे इन श्रद्धेय महापुरुषों के सानिध्य में आज संकल्प शिक्षा सदनम का शिलान्यास हुआ है और हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं। आपके साथ जो अन्य महानुभाव आए हैं मैं उनका परिचय देना चाहती हूँ। हमारे श्रद्धेय भाई, आप सबको जान करके हर्ष होगा, तालियां बजाएंगे, हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी जो कि मंत्री हैं कई विभागों के वहां पे हरियाणा में, हरियाणा सरकार में, उनके श्रद्धेय बड़े भाई साहब हैं रुद्रसेन जी सिंधु। और आपको जानकर यह भी हर्ष होगा कि आप इस गुरुकुल से लगभग 15-20 वर्षों से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर छात्राओं की को छात्रवृत्ति अभी आप प्रदान करते हैं, आपका ये प्रिय गुरुकुल है। तो मैं आपका बहुत बहुत अपनी पत्नी के साथ, बहन सरोज जी के साथ यहाँ पे आए उपस्थित हुए हैं, आपका सादर अभिनंदन करते हैं गुरुकुल परिवार की ओर से। और देखिए हमारे उधर बैठे हैं बहुत ही श्रद्धेय अपने प्रशासनिक अधिकारी, बहुत अच्छे होते हैं, प्राय से अपने अमरोहा में जितने भी जिलाधिकारी आते हैं प्राय अच्छे आते हैं, मैंने देखा प्राय अच्छे आते हैं, हमारे अमरोहा का ये सौभाग्य है कि अच्छे आते हैं। परंतु इस बार तो हमने देखा कि हमारी जो भी समस्या हम लेकर के जाते हैं इतनी भावनाओं से, इतनी अच्छी तरह से, इतने तल्लीनता के साथ उन समस्याओं को आप सुनते हैं, उनका निदान करते हैं। हमने अपने यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जो हमारा जल है, जो वेस्ट जल है, वेस्ट पानी है वो नहाने धोने का, वो बाहर नहीं निकलता था, बहुत परेशानी थी, बहुत मच्छर हो गए थे। हमने अपने सम्मान्य डीएम साहब से, जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बहन जी, ये तो हमारा कर्तव्य है, ये तो मूल अधिकार है आपका, ये तो होना ही चाहिए। आपने तुरंत कार्यवाही की
और वो वहां पे आज तैयार है, जिसमें वेस्ट पानी का जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग आपने लगवा दिया है। और इसी प्रकार से हमारा बाहर का जो रोड है इतना खराब था, आज पूज्य स्वामी जी ने उसका उद्घाटन कर दिया, आचार्य जी ने उसका उद्घाटन कर दिया, हमारे अतिथि ने उसका उद्घाटन कर दिया। तो आप देख रहे हैं कितना भव्य वहां पर सड़क बनी है। तो मैं अपने जिलाधीश महोदय का विशेष रूप से अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। वेद प्रकाश जी, माननीय वेद प्रकाश जी, डॉक्टर सरला जी हुड्डा, उनका अभिनंदन करते हैं। यूके से आए हुए हमारे श्रवण कुमार जी, जो अपने पतंजलि के बहुत विशेष सहायक हैं, उनका भी गुरुकुल परिवार की ओर से बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं। और भाई यशदेव जी, जो कि सारे उसको कितना सहयोग कर रहे हैं पतंजलि में, अपने पतंजलि परिवार के बहुत अच्छे सदस्य हैं, उनका भी मैं गुरु परिवार की ओर से हृदय से अभिनंदन करती हूँ। बहन चित्ररेखा जी, जो कि कथाकार हैं और भागवत की कथा करती हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हैं। हमारे बीजेपी के MLC बहुत बड़े मतों से जिन्होंने आपकी बार विजय प्राप्त की है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। भाई राकेश जी से आने वाले आचार्य जी का स्वामी जी के अभिनंदन के लिए, भाई कमलेश कमलेश जी और उनके साथ आए हुए डॉक्टर साहब और डॉक्टर अशोक जी आर्य आर्यवर्त केसरी, श्री देवेंद्र कुमार की जोड़ी जो गुरुकुल के अभिन्न सदस्य हैं, श्रद्धेय स्वामी जी का और आचार्य जी का आकर के अभिनंदन करें, स्वागत करें। डॉक्टर हरजीत सिंह जी हुड्डा रोहतक से आए हुए, श्री अवधेश जी अग्रवाल मुरादाबाद से जो गुरुकुल का निरंतर सहयोग कर रहे हैं, श्री अवधेश जी अग्रवाल मुरादाबाद से, श्री ब्रह्मजीत सिंह जी रोहतक ब्रह्मजीत से, श्री जयपाल सिंह जी जैसे जो हमारे MLC हैं, स्वामी जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। भाई कैप्टन साहब श्रद्धेय स्वामी जी का आचार्य जी का अभिनंदन करेंगे। श्री महेंद्र सिंह जी अरोड़ा चेयरमैन प्रथमा बैंक, श्री पोद्दार जी जो यूके से आए हुए हैं, कृपया वो भी स्वामी जी का अभिनंदन करें। डॉक्टर समुद्र सिंह जी लाठर, कृपया आकर के स्वामी जी का अभिनंदन करें। श्री अनिल कुमार जी कप्तान, स्वामी जी का और श्रद्धेय आचार्य जी का अभिनंदन। और श्री SDM जी SDM अमरोहा, कृपया वो भी आकर के स्वामी जी का अभिनंदन करें। हमारे माननीय जिलाधिकारी जी से भी निवेदन है कि कृपया आकर के आचार्य जी का और स्वामी जी का अभिनंदन करें। श्री तरुण जी वर्मा जो जिला कार्यकर्ता है, जिला कार्यक्रम अधिकारी है, वो भी आकर के स्वामी जी का श्रद्धेय आचार्य जी का अभिनंदन करें। भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, और देखिए बहुत बड़ी बात है ये कि हमारे भारत स्वाभिमान के जो कार्यकर्ता हैं, दिन रात लगकर के इस देश धर्म की सेवा कर रहे हैं। एक बार सारा जन समुदाय भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं का ताली बजा करके अभिनंदन करेगा बहुत जोर से। ये देश की असली सेवा कर रहे हैं। मैंने देखा यहाँ पर चार गाड़ियां पहले से आ गई थी, न खाना न पीना, दिन रात घूम रहे हैं और सारे देश के अंदर जो कार्य आज सेवा का हो रहा है उसका वास्तव में कोई सानी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। अब अग्रिम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले स्वागत गीत, स्वागत गीत आपके समक्ष है। इस गीत के अंदर चोटीपुरा शब्द को शिखापुरम शब्द से कहा गया है, आशा है आप समझ ही जाएंगे। संस्कृत में चोटी को शिखा कहते हैं।
और पुरा मतलब पुरम। तो जहाँ भी शिखापुर शब्द आया आप समझ लीजिए कि आपका प्रिय गांव चोटीपुरा है। ठीक है, अभिनंदन गीत स्वागत गीत प्रारंभ करें। इस गीत के माध्यम से छात्राएं परम आदरणीय स्वामी जी एवं आचार्य जी के साथ साथ समस्त अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हैं। आरभ्यताम। उस सब है भाई
अब आपके समक्ष अग्रिम प्रस्तुति है जो नारियों के बारे में है, जग जानेगा पहचानेगा। जिस प्रकार से स्वागत गीत ब्रह्मचारिणी चंद्रिका ने बड़े ही उदात्त भावों के साथ लिखा था, इसी प्रकार से अग्रिम गीत जग जानेगा पहचानेगा नारी की शक्ति को एक दिन शीश झुकाकर मानेगा। इस गीत को भी चंद्रिका ने ही लिखा है। ये गीत जो बनाया है ये बड़े ही मंजे हुए कवि की तरह से बनाया गया है। इसमें ना केवल भावों की उदात्तता है बल्कि एक मार्मिक और सुगठित शब्द चयन है। वस्तुतः सुनने योग्य है और धारणीय है ये भावनाएं जो इस गीत में अभिव्यक्त की जा रही है। आरभ्यता शंकर का पांडित्य भारती के सम्मुख था जब हारा।